जनहर, एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। समय हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये एयर इंडिया विमान की तस्वीर है जो कीव से लेकर दिल्ली पहुंची है। तनाव के बीच यूक्रेन से भारतीय लौटे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर स्टूडेंट्स भारत से जाते हैं, तरह तरह की पढ़ाई पढ़ने के लिए, खासकर मेडिसिन पढ़ने के लिए यूक्रेन पहुंचते हैं भारत से। और 242 पैसेंजर्स के साथ ये विमान AI-1946 कीव से भारत पहुंच चुका है, दिल्ली पहुंच चुका है, दिल्ली में लैंड कर चुका है। रूस से हमले की आशंकाओं के बीच सब देश लौटे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो परिस्थितियां थी उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद तनाव बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी की जो 2 घंटे पीछे की जो गतिविधियां हैं उससे बहुत ज्यादा संकट गहरा रहा है। और अभी देखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या आकर कहते हैं और किस तरीके से उसके बाद आगे की परिस्थितियां बदलती हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से रूस से 100 ट्रक बॉर्डर की ओर निकलने की बात सामने आई है, उससे कुछ आशंकाएं गहरा भी रही हैं। वहां के पार्लियामेंट ने जिस तरीके से इजाजत दे दी है पुतिन को कि वो रूस की सेना को रूस के बाहर तैनात कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो विमान लैंड कर चुका है दिल्ली में और उसके बाद वहां से बाहर निकलकर जाते हुए लोग, एयर इंडिया का यह विमान जो कीव से 242 पैसेंजर्स को दिल्ली लेकर आया है। और यकीनन ये लोग जब समझेंगे कि जब ये विमान में उड़ान भर रहे थे उस समय दुनिया में क्या चल रहा था, इनके परिजन भी राहत की सांस लेंगे कि वहां की तनावपूर्ण परिस्थिति से निकलकर बाहर आए हैं।